बैंकों की लाइनों में लगा होगा, लेकिन 50 दिन तक आप मेरा साथ दीजिए, भारत में से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाते हैं, भारत को अलग ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, जो भारत का पैसा, भारत के लोगों का पैसा, भारत के गरीबों की खून और पसीने का पैसा जो आज विदेशी बैंकों में है, उसको भारत में लाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। भाइयों और बहनों, काले धन को वापस लाकर हम देश को गरीब मुक्त बना सकते हैं। गरीबों को जितना फायदा हुआ है उससे दुगना नुकसान उनको हुआ है, जो अब काले धन को सफेद धन करने में लगे हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे वादा करता हूं कि 50 दिन के बाद हमारी इस नोटबंदी को फैसले के हालात सामान्य हो जाएंगे। अब जो विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है कि नोटबंदी का फैसला गलत है। आप मुझे बताइए, 50 दिन तक जो कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया था, 60 साल तक गरीबों को पूरी तरह से चूस करके उनका एक एक पैसा काले धन को लेकर विदेशी बैंकों में जमा कराया था, हमें इस कदम से विदेशी बैंकों का पूरा धन भारतीय बैंकों में लाने के लिए 8 अक्टूबर की रात को जो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, हालात सामान्य करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ